शहर में लॉकडाउन होने के बाद भी लोग अपने दुपहिया वाहनों पर सवार शहर में घूम फिर रहे हैं। ऐसे लोगों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की है। अब तक ट्रैफिक पुलिस ने 900 वाहन भी जब्त किए हैं। पिछले 16 दिनों से केंद्र और राज्य सरकार के आदेश द्वारा पूरे शहरों में और पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन लगते ही लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं। ऐसे में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लॉकडाउन होने के बावजूद अपने दुपहिया वाहन लेकर घरों से बाहर निकलकर शहर का मुआयना करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोगों को फिर पुलिस डंडे दे रही है या फिर पुलिस उनका लाइसेंस जब्त कर उनके ऊपर में कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। कोरोना वायरस का कोई खौफ ऐसे हुड़दंगियों में नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते अब पुलिस प्रशासन एक कदम आगे बढ़ते हुए ऐसे लोगों पे कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं डीसीपी विक्रम साई इनकी। डीसीपी विक्रम साई, इन्होंने अब तक के सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे बिला वजह घूमने वाले ऐसे दुपहिया वाहन और चार पहिया वाहनों के वाहन चालकों पे कार्रवाई की है। अब तक के 900 वाहन जब्त किए हैं और इतने नहीं तो आईपीसी की धारा 188 के अनुसार गुना भी दाखिल किया है, तक के 12 लोगों को पनिशमेंट किया है। नमस्कार, नागपुरकर, मी विक्रम साई, पोलीस उपायुक्त वाहतूक शाखा। आपला लॉकडाउन जो 22 तारखेपासून सुरू आहे त्यामध्ये आता कोरोना ग्रस्तांची संख्या वाढतच आहे, त्यामुळे आपली जबाबदारी अजून वाढत आहे। आतापर्यंत आम्ही वाहतूक शाखेतर्फे 900 गाड्या जप्त केलेल्या आहेत व त्या इसमाविरुद्ध आम्ही आयपीसी 188 नुसार गुन्हे दाखल केलेले आहेत। त्यापैकी एकूण 12 गुन्ह्यांमध्ये माननीय न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे। जर आम्ही गाड्या जप्त करून आपल्यावरती गुन्हे दाखल करत असेल तर शिक्षा आपणाला होते, परंतु जर आपण अनावश्यकपणे बाहेर पडला आणि जर चुकून कोरोनाची लागण झाली तर आपल्यासही ती शिक्षा तुमच्या कुटुंबालाही होऊ शकते। म्हणून आमचे परत एकदा आपल्याला आव्हान आहे की तुम्ही घरामध्ये राहा, सुरक्षित राहा। जय हिंद।